पे पहुंच के। इसी तरह प्यारी चाय वाली को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, प्रियंका गुप्ता का नया स्टॉल आ चुका है और हम जैसा कि आपको प्रॉमिस किए थे कि जब भी नया स्टॉल आएगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। काफ़ी लोग कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे तो हम इस लोकेशन पे आ गए हैं। आज पहला दिन है और प्रियंका जी ने यहाँ पे चूज किया है। तो लोकेशन आपको बता दूँ, ये बोरिंग रोड चौराहा पे है और बोरिंग रोड चौराहा पे आप बीकानेर स्वीट्स देख रहे होंगे, उसके जस्ट अपोजिट में ये आपको प्रियंका गुप्ता चाय वाली का दुकान आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पहले ये पटना वुमेंस कॉलेज के पास लगती थी और काफ़ी कंफ्यूजन था कि कहाँ पे लगाना है। पहले बात चल रही थी बोरिंग कनाल रोड, लेकिन फाइनली इस लोकेशन को चूज किया गया है। तो चलिए आपको स्टॉल दिखाते हैं कैसा है प्रियंका गुप्ता का नया स्टॉल। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे स्टॉल बनकर तैयार हो चुका है, जिसको काफ़ी सजाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक अलग सा एक फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे प्रियंका गुप्ता ने अपना ग्रेजुएट चाय वाली सबसे पहले अपना नाम लिखा है और बहुत ही अच्छा एक लोगो है जिसमें आप देख सकते हैं कुल्हड़ चाय है, उसके ऊपर ये दिल बना हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये नीचे में ये भी लिखा हुआ है पीना ही पड़ेगा, जो कि प्रियंका गुप्ता का टैगलाइन था। और नीचे में ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल की भी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मूवेबल है, तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकती हैं। तो देख सकते हैं ये स्टॉल काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे चारों तरफ से सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि धूप में जो भी कस्टमर्स यहाँ पे चाय पीने आएंगे वो यहाँ पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं और धूप और बरसात से भी काफ़ी राहत मिलेगी। और देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, आज एकदम पहला दिन है प्रियंका जी का, तो ये आज चाय बना भी रही हैं। तो मैम कैसा लग रहा है प्रियंका गुप्ता अपग्रेडेड वर्जन 2? जी इंस्टाग्राम पे आपने डाला था, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काम पर वापस